एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज इवनिंग को ब्लॉग कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को अभी ओला शोरूम जाना है, क्योंकि मैंने मेरा बर्थडे से जो ओला का S1 प्रो फर्स्ट जेन ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया, तो अभी सेकंड जनरेशन ऑर्डर किया था, तो आज उसका डिलीवरी है। ओला शोरूम वहाँ पे जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो चलते हैं। तो गाइस, मैं जल्दी जल्दी रूम से निकल रहा है क्योंकि अभी टाइम 6:30 हो रहा है, मेरे को 7 बजे के अंदर पहुँचना है क्योंकि 7 बजे में ओला शोरूम बंद हो जाता है। और आगे आई थिंक आगे ट्रैफिक है तो यहीं पे रुक जाते हैं पीछे, तो ट्रैफिक में फंस गए हम लोग और ऊपर से मेरे को लेट भी हो रहा है, तो खुल गया आई थिंक 6, 5, 4, 3, 2 है। ओला ही ओला है। तो हम अंदर जाते हैं और ये देखो भाई, बहुत भीड़ है, 7 बज रहा है फिर भी भीड़ है। और ये रहे हमारा नितिन भैया जिसने मेरा ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल बुक किए थे, और ये रहा मेरा गाड़ी और मेरा ओला स्कूटी मेट व्हाइट कलर का है। आप सबको पसंद आता है कि नहीं जरूर कमेंट में बताना। हेलो मानस मोहन, वाओ थैंक यू, नाम आ गया। अभी चार्ज 94 है, माइलेज का देखते हैं, 136 किलोमीटर जाएगा। बस इतना ही मिलता है ओला में, इतना प्राइस में इतना ही मिलता है 1,68,000 में, बस इतना ही, बस ये चार्जर और कुछ नहीं, और ये गाड़ी टूल किट है। हाँ है, टूल किट है, ये फर्स्ट मेडिकिट है, फर्स्ट हाँ इधर टूल किट है, ये थोड़ा प्रीमियम पैकिंग है बाय द वे। और मेरे को ये भैया जी मेरे को बता रहे हैं कैसे लॉक करना है डिक्की और क्या, तो थोड़ा सीख लेते हैं भैया से ज्ञान। आज 4 गाड़ी आया था, ये वाला ऐश्वर्य एयर आया था, इसका डिलीवरी हो गया और वो प्रो जन है, वो भी प्रो है सेकंड जनरेशन, मेरा वो वाइट वाला है। मेरे को पर्सनली वो पर्पल वाला पसंद था लेकिन पापा ने मना किया। जान दो से तुम पठा दियो, ये रहा कुछ डॉक्यूमेंटेशन। हमारा डॉक्यूमेंट ओला का। तो गाइज ये हो रहा है धाड़ू अनबॉक्सिंग ऑफ ओला चार्जर, बंद कर रहा तो भाई ने पूरा रैपर को फाड़ लिए, तो इसी बहाने भी हम थोड़ा चार्ज करके चार्जर को टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर भाई पीछे चूना लग जाएगा हमको और पापा हमको डांटते रहेंगे। तो चलो थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेते हैं। ये चार्जर का टेस्टिंग हो रहा है, इधर से लग गया, जब रेड होगा फुल ऑटो कट होगा, ये वाला जो बटन है ना, अच्छा। ये वाला जो ऑटो बटन है से ये उठ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो गाइस गाड़ी का स्क्रैच टेस्ट और सब कुछ जो जो चेक करने के लिए था वो सब कर लिया और चार्जर वार्जर भी हो गया, तो गाड़ी को ढक लिया, अभी अनबॉक्सिंग होगा गाड़ी का, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। Thank you.
से। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, हमको लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। तो ये गाइस फाइनली आ गया हमारा ओला का स्कूटी और वो रहा हमारा मेरा लकी गाड़ी वेस्पा। जो भी बोल, वेस्पा के सामने कोई टिक नहीं सकता, क्या बोलता ब्रो? तो चलो चलते हैं, मिलते हैं और एक नया ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, सी यू।